दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। ये आज हम करेंगे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह के विविध के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह है, इसका आज पार्ट 18वां पार्ट आज अपलोड होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 127, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प का नाम किस युद्ध से जुड़ा है? देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प का नाम जुड़ा है क्रीमियन युद्ध से। उसके बाद है 128, इतिहास में प्रसिद्ध जलियांवाला बाग भारत के किस नगर में है? तो जलियांवाला बाग आपको पता ही है, अमृतसर में है। 129, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है कार्ल मार्क्स ने। क्वेश्चन 131, सांची किसकी कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध कला व मूर्तिकला का। नाजीवाद का मुख्य संस्थापक किसे माना जाता है? तो नाजीवाद का मुख्य संस्थापक है एडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन 133, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि। देखिए, अमीर इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, जैसे अमीर खुसरो को याद रखना है कि किसके दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अलादीन का जो चिराग था, अलादीन का चिराग जिसके पास होता था वो क्या होता था? अमीर। तो अमीर कौन होता था? अमीर होता था जिसके पास अलादीन का चिराग होता था। तो इस तरह याद रख सकते हैं कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन 134, पीसा की झुकती मीनार लीनिंग टावर ऑफ पीसा किस देश में स्थित है? तो इटली में। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के किस सिद्धांत का विकास किया था? साम्यवाद का। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, यह दल है रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक पार्टी। यूएसए में क्या है? दो ही पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन एक डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन 137, भारत के वह प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनका निधन उनके शासनकाल में हुआ था? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन 138, 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का। और 7RCR किसका है? 7RCR है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का। तो 139 की बात करें, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? इसका उद्देश्य है विलुप्त हो रहे जीवों की रक्षा करना। क्वेश्चन 140, किस आंदोलन द्वारा पूर्व हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया गया था? तो यह था शुद्धि आंदोलन। संसद के लिए राष्ट्रपति के भाषण को कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन 144, नचिकेता और यम सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वो कठोपनिषद में उल्लेखित है, कठोपनिषद में। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? तो अश्वेत लेखिका प्रथम कौन है? टोनी मॉरिसन, 1993 में इनको मिला था, टोनी मॉरिसन। दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? दाचीग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। एक्टियोमीटर से क्या मापते हैं? एक्टियोमीटर से क्या मापते हैं? सूर्य की किरणों की तीव्रता। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी दिया जाता है वन लगाने एवं प्रतिभूमि के विकास के क्षेत्र में, वन लगाने और प्रतिभूमि के विकास के क्षेत्र में। 147, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के रचयिता कौन है? भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी थी? भास्कराचार्य। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यक्षगान कहाँ कहाँ है? कर्नाटक का। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन क्या था? जीरेस्टोलॉजी, जीरेस्टोलॉजी। और एक केबी में कितनी बाइट होती हैं? 1024 बाइट्स।
क्वेश्चन 151, मधुबनी कला से किस राज्य का संबंध है? मधुबनी कला से किस राज्य का संबंध है? बिहार, बिहार की होती है मधुबनी कला। मालती माधव किस कृति है? मालती माधव है भवभूति की, भवभूति ने क्या लिखी थी? मालती माधव। केदारनाथ में किसका मंदिर है? केदारनाथ में है शिव का मंदिर। आदि गुरु शंकराचार्य की स्मृति में उत्तराखंड में स्थापित दो पीठ कौन कौन से हैं? तो ज्योति मठ है या जोशी मठ, और दूसरा है जागेश्वर धाम। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है मोहम्मद इकबाल की। 156, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में भारत के राष्ट्रपति ने अब तक एक बार वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, भारतीय डाकघर मामले में, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। 157, दुलहस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया है? दुलहस्ती चिनाब नदी पर है, दुलहस्ती चिनाब नदी पर। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, दुल्हन को नाव में बिठा कर लाए, दुल्हन को कैसे लाए? नाव में बिठा कर। तो दुल से याद रखना है, दुल्हन से याद रखना है दुलहस्ती बांध, और नाव से याद रखना है चिनाव। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दुलहस्ती बांध किस नदी पर है? चिनाव नदी पर। दुल्हन से याद रखना है दुलहस्ती बांध, और नाव से याद रखना है चिनाव नदी पर। एंटोनियो माइनो किस भारतीय राजनेता का अपरिणीता नाम है? तो यह है सोनिया गांधी का। एंटोनियो माइनो यह सोनिया गांधी का मेडन नेम है। यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 160, विश्व में सबसे ज़्यादा कोको किस देश में पैदा होती है? तो सबसे ज़्यादा जो कोको पैदा होती है ब्राज़ील में। तो ये विविध के क्वेश्चन थे, अब कुछ खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 117, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखी है? तो ये लिखी है पेले ने, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पेले की पुस्तक है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग। क्रिकेट में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किए गए थे? एथेंस में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं वॉलीबॉल में। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी हुई थी 1984 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? पटियाला में। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 3.66 मीटर। बैडमिंटन में मैदान की लंबाई चौड़ाई युगल में होती है 20x44 फीट। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट और टेनिस। ऑस्ट्रेलिया के दो राष्ट्रीय खेल हैं, क्रिकेट एक टेनिस। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह से लिए गए थे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।